खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आष्टा थाना अंतर्गत इंदौर भोपाल हाईवे पर शनिवार रात मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के पुत्र रोहिताब सिंह कराड़ा ने अपनी कार क्रमांक MP04EB9258 को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए भोपाल से इंदौर जा रहे इंदौर निवासी कारोबारी दिनेश आहूजा की कार को जोरदार टक्कर मार दी। पिता के ऊंचे रुतबे के नशे में चूर रोहिताब व्यापारी की कार को टक्कर मारते हुए काफी दूर तक घसीट कर ले गया। यह मामला कैमरे में कैद हो गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी का नाम उजागर नहीं किया था। लेकिन मामला पूर्व मंत्री के पुत्र से जुड़ा होने के कारण प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मामले में कूद गए। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने आखिरकार पूर्व मंत्री पुत्र पर नामजद मामला दर्ज कर उसे आरोपी बना लिया है। इस मामले में आरोपी रोहिताब सिंह कराड़ा पर आष्टा थाने में धारा 382 आईपीसी एवं 184 एमवीए के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि आरोपी पर नामजद प्रकरण दर्ज कर उक्त कार जब्त कर ली गई है। वहीं भाजपा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोपाल सिंह इंजीनियर ने घटनाक्रम की निंदा करते हुए कहा कि नेता पुत्रों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और अपनी पहुंच का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या हमारे पीछे चाकू लेके भाग रही है? रोड क्रॉस करो, सीरीज पर रोड क्रॉस करना पड़ेगा। उसके हाथ में चाकू है। वीडियो चालू है। अरे लाइट चालू कर, लाइट प्लस नहीं चल रहा है, बैटरी लो है, अब चालू हुआ। उसके हाथ में चाकू था, नमन बच गया, अच्छा हुआ। पुलिस को फोन लगाओ। अरे पहले पुलिस को लगाओ, वो ट्रक जा रही है, देखो ट्रक टकराएगा नहीं तो अपनी गाड़ी से। वो घास तोड़ रहे अपनी गाड़ी का, अरे तुम पुलिस को फोन लगाओ। भैया ये गाड़ी है, पैसे का काम, पैसा ये देखो, ये कितनी माँ छूट गई पूरी गाड़ी की, मेरे को पैसा दे। ये गाड़ी नंबर, ये रहा गाड़ी, हमारी तो पूरी माँ छूट गई ना, गाड़ी का पैसा दे। इतना तू दे, घर जा हमारे घर, चलो अपन। पुलिस थाने चलते, चाबी निकाल, चाबी निकाल। ये दारू का पेक रखा हुआ है, नहीं आप लड़ाई करेंगे भाई साहब, अब थाने चलेंगे अपन, अब थाने चलेंगे अपन थाने। आदमी ने दारू पी रखी है, ये गांडू का पेक अनशन दारू पी के, और ये देखो ये मेरी गाड़ी का नंबर है, नमन हड़िया। पेपर में जरूर पढ़ा है, मगर यदि इस टाइप का कृत्य है तो उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होना चाहिए। और इतने बड़े पद पे रहने वाले जो कराड़ा जी हैं, उनका पुत्र इस टाइप की जो हरकतें करता है या इस टाइप की जो करती है वो निंदनीय है, और निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वैसे क्या नेता पुत्रों को क्या अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, जो उनके अधिकार होते हैं, जो उनका रोजगार होता है, उस प्रकार से दुरुपयोग करना क्या सही है, कितना सही है? उनको बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपने अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। ये तो पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के कार्य करना चाहिए उनको, तो नेता होने के बाद पब्लिक से भी सरल उनको व्यवहार करना चाहिए, बहुत सरल होकर काम करना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं, यदि उनने कोई इस टाइप की हरकतें की है या कोई गलती की है तो उसको उसकी कार्रवाई होना चाहिए।
सूचना मिली थी थाने पर कि ऐसी घटना हुई है जिसमें शराब पीकर गुंडागर्दी सड़क पर की गई है। घटना का संज्ञान होते ही तत्काल पुलिस ने संबंधित धाराओं में FIR पंजीबद्ध कर ली है और जो गाड़ी है उसको जब्त कर लिया गया एवं जो भी वीडियोग्राफी के एविडेंसेज हैं उनका समावेश करके सबसे कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी का नाम जैसा जी जो आरोपी है रोहिताब सिंह, उनके खिलाफ नामजद FIR पंजीबद्ध कर ली गई है एवं जो गाड़ी है उसको भी जब्त कर लिया गया है और जो गुंडागर्दी की घटना की गई है उसकी वीडियोग्राफी के एविडेंस भी हमको मिले हैं, उसके आधार पर गंभीर कार्रवाई की जा रही है। आष्टा से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.